हे भगवान, कहते हैं परीक्षित, मैंने तुम्हें रुक्मिणी कृष्ण के विवाह उत्सव के विषय में बताया। जब भगवान का द्वारिका में विवाह हुआ, सबके मन आनंद हुआ, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का मिलन हुआ है। ज्यादा समय नहीं गया, लगभग 1.5 साल का समय बीता था, जब रुक्मिणी जी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया, जिसे खुशियों में 4 चांद लग गए। कोई न कोई हमारे आसपास ऐसे भी लोग होते हैं जो हमें प्रसन्न देखना नहीं चाहते, जो हमें मुस्कुराता हुआ देखना नहीं चाहते, जिनके लिए हमारे रोते रहना ही खुशी का कारण बनता है। ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है, पर बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। हम कितने ही भजन पूजा पाठ कर लें, हम कितने ही अच्छे से रह लें, पर कोई ना कोई 2-4 ऐसे प्राणी हमारे आसपास मिल ही जाएंगे। अच्छा, कुछ ऐसे होंगे जो हमारा शुभ चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं, हमारा हित चाहते हैं। इसलिए जिंदगी की उन धरोहरों को, जिन्हें लाइफलाइन कह सकते हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। वो हमारी जिंदगी की वो पूंजी है, जिनकी दुआओं से, जिनकी आशीर्वाद से, जिनके सत विचार से हमारा जीवन खुशियों से भरा रहता है। और वो लोग जो हमें प्रसन्न देखना नहीं चाहते, जो हमारी जीवन में खुशियां आते देखना नहीं चाहते, उन लोगों से भी वैर नहीं करो, उन लोगों से कोई द्वेष मत करो। बस ये सोचो कि ये जो चिढ़ने वाले हमसे चिढ़ रहे हैं ना, ये हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, ये हमें और आगे जाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे महावत हाथी के चांद पर बैठकर सुआ चुबोता है और हाथी चल पड़ता है, ऐसे ही समझो कि विपत्तियां हमारे माथे पर वो सुआ चुबो रही हैं, जो हमें कह रही हैं कि बेटा, इतनी मेहनत पर्याप्त नहीं है, थोड़ी और मेहनत कर, थोड़ी और मेहनत कर, मंजिल दूर नहीं है, थोड़ा सा और दम लगा, थोड़ी और पुरुषार्थ कर, थोड़ा और परिश्रम कर, तेरे जीवन में भी उजाला होगा, तेरे जीवन में भी फूल खिलेंगे, घबरा मत। घबरा मत, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, है कि नहीं? तो फिर हम क्यों डरें? डरें वो लोग जो काम करें चंडाल का? हमने तो किसी का बुरा नहीं किया है ना। अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया, आपने किया तो नहीं है ना? मुंडी तो हिलाओ, हाँ कि ना? हमने किसी का बुरा नहीं किया तो ये तय रहा कि हमारा बुरा परमात्मा कभी होने नहीं देंगे। कर भरोसा खुद ही पे इतना कि मंजिल खुद तुझसे कहे, आ मैं तेरा हाथ पकड़कर बुला लेती हूँ। कर
खुद ही पर भरोसा इतना कि मंजिल खुद कहे कि मैं तुझे बुला लेती हूँ। तो खुशियां खुशियां और प्रसन्नता और सबके मन आनंद है। ऐसे में सुखदेव भगवान कहते हैं, एक संबरासुर नाम का राक्षस भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को सोबर के गृह में से ही उठाकर ले गया और ले जाकर एक लवण नाम का समुद्र है जिसमें हिंसक जलचर जीव रहते हैं, उसमें फेंक दिया कि कोई कितना भी बड़ा भगवान हो पर इस समुद्र में से मनुष्य का बच्चा बचना संभव ही नहीं है। लेकिन सच तो ये है, जाको राखे साईया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी हो। अगर मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, परमात्मा मेरी रक्षा कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया मिलकर भी मुझे मार नहीं सकती है। और अगर वो रखवाली नहीं है तो सब ओर से सुरक्षा कवच पहना हुआ भी मैं बच नहीं पाऊंगा। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो, जाने को देते अजाने को देते, जहाने को देते वो मोकू देगो, जहाने को देते वो मोकू देगो। जो जो सबको देता है, जो मूक प्राणियों का भी पेट भर देता है, भरोसा नहीं है कि वो हमारा पेट भी भरेगा, है कि नहीं? बस अपने हाथ पांवों पे भरोसा रखो और परमात्मा की कृपा और चल पड़ो और देखना, कभी कभी जिंदगी एक रुपए से आरंभ होती है और करोड़ों में पहुंच जाती है। अपने हाथ पांव की मेहनत पर भरोसा होना चाहिए, लगन होनी चाहिए और ऊपर वाले पर विश्वास होना चाहिए।